आपकी कुंडली में सूर्य कैसे हैं? सूर्य कहीं आपके कमजोर तो नहीं? अगर सूर्य कमजोर हो तो जीवन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? क्यों सूर्य का मजबूत होना जरूरी है? सूर्य के मित्र क्या हैं? सूर्य के शत्रु क्या हैं? सूर्य से जुड़ी हुई अनेकों जानकारियां, सूर्य के आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके सूर्य अच्छे हों, यही सब जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा राजा वैसी ही प्रजा। तो इसी तरह से समझिए, अगर राजा की तबीयत खराब हो या राजा उस तरह से आपका भरण पोषण ना कर रहा हो, अपना कार्यभार उस तरह से ना संभाल रहा हो, या राजा ही कमजोर हो, तो प्रजा कितनी सुरक्षित होगी? सूर्य आपके लिए राजा है, क्योंकि सूर्य पूरे जगत का राजा है। सभी ग्रहों में सूर्य को राजा की पदवी मिली है, और ये पदवी राजा की इसी तरह नहीं मिली है, क्योंकि राजा सूर्य आपके जीवन में हमेशा प्रकाश देने वाला बनता है, हमेशा प्रकाश देता है सही समय पर, नियम अनुसार अपने जो कर्मबद्ध जो उसके नियम है उनके अनुसार वो अपने काम करता है, जीवन में प्रकाश पहुंचाता है, इस प्रकृति पर प्रकाश डालता है। ये प्रकाश क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये समझिए, अगर प्रकाश ही ना हो, अंधकार ही अंधकार हो, तो क्या लगता है आपको, जीवन पनप पाएगा? कभी नहीं पनपेगा। और इसी तरह से एक अंधकार और प्रकाश दोनों का बैलेंस है, अगर ये आधा दिन है तो आधी रात है, इसी तरह से 12-12 घंटे डिवाइड किए गए हैं। पर जब यही प्रकाश आपके जीवन में ना पड़े तो सूर्य संबंधित कहीं ना कहीं परेशानियां आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, अनेकों परेशानियां हैं। सूर्य खराब हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से ही खोखला रहता है, उसको तबीयत खराब होने की शिकायत बार बार रहती है, उसकी सेहत सही नहीं रहती है, उसको काम काज में वो सफलता नहीं मिलती है, मान सम्मान की कमी रहती है, कुछ ना कुछ शारीरिक विकार उसके साथ हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ झूठे आरोप या फिर एक लो स्टेटस व्यक्ति का हमेशा रहता है, पिता या पिता से रहने वाले जो संबंध होते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, मौसम के बदलने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। उम्र की बात करें तो उम्र का भी कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि ये व्यक्ति बीमार ही इतना रहता है, बीमार जब रहेगा तो व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव ख्याल तो आने स्वाभाविक हैं, वो बार बार यही सोचेगा क्या मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, क्या मैं अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी कर पाऊँगा कि नहीं। और जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं इन दुखों की परेशानियों का निवारण स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह की अगर खराबी दूर करनी है तो विष्णु जी की आराधना, विष्णु जी की पूजा करना कहा गया है। इसी तरह से सभी ग्रहों के जो भी ग्रह हैं, इन सब के ग्रहों के अधिष्ठाता देवी या देवता हैं, जैसे शुक्र की माँ लक्ष्मी, राहु की सरस्वती, सूर्य के लिए विष्णु जी, इसी तरह से और भी चंद्र के लिए स्वयं भोलेनाथ। तो और ग्रहों की इस तरह से व्याख्या जो है और वीडियोस में मैं कर चुका हूँ, जिसमें आप प्रत्येक ग्रह की चीज़ें, दान, ग्रह देवता, जानवर, जीवित चीज़ें, निर्जीव चीज़ें सब देखी जाती हैं। अब जब सूर्य शत्रु ग्रहों के साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश में अवरोध आता है, ये प्रकाश आपके जीवन में बेहद ज़रूरी है। आप ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों में वो ताकत है कि वो हर चीज़ को शुद्ध कर दे। अब सूर्य के जो मित्र होंगे वो हमेशा सूर्य की शक्ति को बढ़ाएंगे। अब सूर्य के मित्र कौन कौन हैं? सूर्य के मित्र हैं मंगल, सूर्य के मित्र हैं बृहस्पति, सूर्य के मित्र हैं चंद्र। तो इस तरह से आप समझिए, सूर्य है क्या? सूर्य एक तांबा धातु है। तो आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी सुदामा और श्री कृष्ण के बारे में, कि दोस्त पर आए जीवन पे परेशानियां श्री कृष्ण ने उनकी दरिद्रता सब मिटा दी। इसी तरह से दोस्त की दोस्त कई बार मदद करता है, अगर सच्चा दोस्त हो तो अवश्य ही मदद करता है, वरना जीवन में न जाने कितनी झूठी चीज़ें आप इन चीज़ों से सामना भी करते हो। इसी तरह से जब सूर्य की कहीं पर भी खराबी होती है या दिक्कत परेशानी होती है तो उसके मित्र हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं,
पर एक बात का ध्यान रखिए, सूर्य अगर तांबा है तो बृहस्पति सोना है और चंद्रमा चांदी है और मंगल अग्नि है। तो इस तरह से समझिए, अब ये ग्रह हुए, आप जो सोना खरीदते हो मार्केट से वो अकेला सोना नहीं होता है, वो आग में तप कर यानी कि मंगल की भट्टी में पकाया जाता है, कुछ मात्रा में उसमें चंद्र होता है यानी कि चांदी, कुछ मात्रा में उसमें तांबा होता है, तांबा यानी कि सूर्य। अब ये जब चीज़ें मिश्रण होकर मिल गईं तब वही तांबा सोने के भाव बिकना शुरू हो गया। अब यहाँ से इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हो कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा के दुख दर्द दरिद्रता दूर की तो वो भी सामाजिक रूप से उठ गया और उसके जीवन में भी सभी सुख सुविधाएं हो गई, यानी कि उसकी परेशानी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदामा के घर से लाए हुए चावल लिए, यानी कि किसी भी रूप में उसके जीवन में एक समृद्धि लानी थी। ये एक लीला है और यही लीलाएं आपके जीवन में सूक्ष्म रूप से या बड़े रूप से होती रहती हैं। जब भी सूर्य परेशानी में हो तब बृहस्पति की मदद ली जाती है, चंद्र की मदद ली जाती है, मंगल की मदद ली जाती है, यानी कि वो सस्ता सा जो तांबा सोने के भाव बिकने लायक बन जाता है बृहस्पति मंगल और चंद्र की मदद से। जब भी सूर्य के दोष हों तब इनको दूर करने के लिए इन मित्र ग्रहों की सहायता लेनी पड़ती है। और मित्र ग्रहों की सहायता कैसे लेंगे, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए सूर्य क्या है, सूर्य है बंदर, वानर, मॉन्की। अब सूर्य मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तब आप सूर्य को क्या पहुँचाओगे? आपने लोगों को देखा होगा गुड़ चना ये जाकर बंदर को खिलाते हैं, यानी कि चना, चना हुआ बृहस्पति और गुड़ हुआ मंगल, इस तरह से ये चीज़ें बंदर को खिलाई जाती हैं। आपने देखा होगा लोगों को उपाय करते हुए गुड़ चना जाकर डालते हैं कि ताकि उनके जीवन में चल रहे सूर्य के बुरे प्रभाव दूर हो सके। सूर्य के बुरे प्रभाव जब जीवन पर आते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठे आरोपों में फंसता है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के उसका सामाजिक जो एक रुतबा होता है उसे धूमिल किया जाता है, उसकी चमक पर कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव डाले जाते हैं। और मैं एक आपको टिप के रूप में और बता दूं बात, क्योंकि मेरी वीडियोस को देख कर न जाने कितने ज्योतिषों ने बहुत से उपायों में अपने परिवर्तन किया है, बहुत से नॉर्मल लोग भी एक तरह से ज्योतिषी बन चुके हैं क्योंकि उनको सभी ग्रहों के लॉजिक और जो बातें होती हैं वो पता लगना शुरू हो गई हैं। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भलीभांति प्रत्यक्ष रूप में पता होंगी, सूर्य जब उगता है तब क्या कलर होता है, सूर्य का दोपहर के समय क्या कलर होता है, सूर्य का संध्या के समय क्या कलर होता है और सूर्य का डूबते समय क्या कलर होता है। अब इन्हीं से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूर्य के साथ किन किन ग्रह की शक्ति चलती रहती है। सुबह जिसमें कि आपको ऑरेंजिश कलर एक उगते हुए सूर्य का दिखेगा तो वो समय होता है बृहस्पति का। दोपहर का समय आता है जब आप सूर्य की रोशनी को देख भी नहीं सकते हो, बिल्कुल वाइट किरणें आपको दिखाई देती हैं एक तरह से, वो होता है चंद्र का समय। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब लालिमा लिया हुआ सूर्य आता है, लालिमा लिया हुआ संध्या काल का समय, तब जाता है मंगल का साथ इसके साथ। इसी तरह से ग्रहों का साथ हमेशा चलता रहता है। अगर आप इन बारीकियों को देखें तो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास हर जगह आपको ग्रह ही ग्रह नजर आएंगे और आप इन ग्रहों के बीच में अपने आप को खड़ा हुआ पाओगे। तभी कहते हैं कि घर में वास्तु, आपके घर में रखी हुई निर्जीव चीज़ें भी जीवित हैं क्योंकि वो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। आपने देखा होगा लोग काले कपड़े पहनते हैं, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, ये हमेशा मना क्यों किया जाता है? सबसे पहले ये समझिए, काला कपड़ा या नीला कपड़ा व्यक्ति को इसलिए धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि काला और नीला कपड़ा जो भी होता है, जो आपके वस्त्र होते हैं, ये हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, एक नकारात्मक शक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा तामसिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले जो तांत्रिक होते हैं वो आपके काले कपड़े में मिलेंगे और जो भी तामसिक क्रियाएं या फिर तामसिक पूजाएं होती हैं वो हमेशा काले आसन पर ही बैठ के की जाती हैं। और काला रंग इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि काला रंग आपके अंदर वो एक नीरसपनता लेकर आ जाएगा, एक डिटैचमेंट की भावना लेकर आ जाएगा जिससे कि आप इस सामाजिक बंधन से कट के दूसरे जो शक्तियाँ हैं उनसे जुड़ सको।
तभी ये कहा जाता है कि आप काले कपड़े पहनकर इतने सुंदर ना दिखें, वरना लोगों की नकारात्मक शक्तियां आप अब्सॉर्ब करोगे। और काला कपड़े पहनने के बाद आप एक बार तो इंजॉय करके आ गए, पर बाद में आपके जीवन में वही नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में बुरी तरह से आपके ऊपर बुरे प्रभाव डालना शुरू करेंगी, जिससे कि आपके ऊपर बीमारियां, तकलीफें, धन का नुकसान या अनेकों परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी। चलो अब हम समझते हैं सूर्य अलग अलग भाव में पहुंचकर आपके जीवन में प्रभाव कैसे डालता है। कुछ अच्छे प्रभाव डालता है, कुछ बुरे प्रभाव डालता है। जब सूर्य लगन में हो, यानी कि पहले भाव में हो, तब कहीं ना कहीं जीवन पर ये स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि सूर्य का लगन भाव में बैठ जाना आपके शरीर में कहीं ना कहीं पित्त विकार बढ़ा देता है। पित्त विकार क्या होता है? आपके शरीर में कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप लोगों को देखते होंगे कि खाना खाते हुए पसीना आता है, हाथ पैरों में पसीना आता है, कुछ इस तरह से उनके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, सिर में जो गंजापन बहुत पहले आ जाता है, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, आँखों में लालिमा हमेशा बनी रहती है, और बात करते हुए कई लोगों का थूक गिरता है। आपने देखा होगा कि या तो बात करते हुए गिरता है या सोते हुए निकलता है। इन लोगों को नमक खाने की बहुत आदत होती है, न कि नमकीन बहुत पसंद करते हैं, और इनकी जो वाणी होती है वो कई बार कर्कश हो जाती है। लोगों को डोमिनेटिव, अथॉरिटेटिव एक वाणी आपने देखी होगी, लोग इस तरह से बात करते हैं जिस तरह वो कहीं के बाबू लगे हों। ये इनके अंदर एक सूर्य का गुण होता है, पर गुण के साथ साथ अवगुण भी झेलना पड़ता है। सूर्य, अगर आपको बोला जाए कि सूर्य की रोशनी में एक घंटा बैठ जाओ, बिल्कुल दोपहर की टकटका धूप में, तो आप नहीं बैठ पाओगे। थोड़ी देर बैठोगे फिर आप भाग लोगे। इसी तरह से सूर्य का तेज तो उनकी पत्नी भी नहीं झेल पाई थी, इसीलिए शनि देव का जन्म हुआ। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य का तेज झेलना हर एक की बस की बात नहीं है। तो इसी तरह से इस तेज से कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आते हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य पहले भाव में हो, इनके जीवन में स्ट्रगल हमेशा रहता है। सूर्य आग में तपकर सोना बनता है, यानी कि वही तांबा सोना ये मिश्रण मिलकर तभी जब आग की भट्टी में तपाया जाए तभी सोना बनता है। ऐसे लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। अब दूसरे भाव में जब चला जाए तो कहीं ना कहीं स्त्री सुख में कमी लाता है, स्त्री के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां लाता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लाता है, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमेशा कुछ ना कुछ व्यवहारिक मतभेद आपके जीवन में रहते हैं। तीसरे घर में आ जाए तो कहीं ना कहीं भाई बंधुओं से ये कुछ ना कुछ झगड़ा कराता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी से कुछ ना कुछ झगड़ा बनाए रखता है। चौथे घर में आ जाए तो कहीं ना कहीं माता के जीवन में ये कुछ हिस्से उसके जीवन के स्ट्रगल पूर्ण बना देता है, उसको कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। तो चौथे घर में ये कहीं ना कहीं इसके अलावा आपके करियर में भी दिक्कतें देता है, क्योंकि इसके सामने दसवां घर जो है आपके करियर का होता है, वो घर शनि का होता है। तो सूर्य की दृष्टि सीधा का सीधा शनि के घर में पड़ रही है। शनि वहीं पर ही अनुकूल महसूस करता है जहाँ पर अंधेरा हो, पर सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं आपके करियर पर दिक्कत ले आती हैं। पांचवें घर में हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, अपनी बात या जिद के कारण वो बहुत से जीवन में नुकसान झेलता है। छठे घर में हो तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां लाता है, उस कारण लेकर आता है कि आप अपने पारिवारिक जो एक प्रथाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हो, कहीं दूसरा नाम ध्यान ले लिया, कहीं दूसरे बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, कुछ ना कुछ अपने जो पारिवारिक रीत रिवाज हैं उनको भूल गए, तो परेशानियाँ आ जाएंगी। सातवें घर में हो तो जीवन साथी को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है, एक व्यक्ति के करियर में प्रॉब्लम देता है, व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है, गुस्सा बेमतलब का आता है, अपने ही काम बिगाड़ लेता है, और पत्नी को कहीं ना कहीं तपेदिक यानी कि बुखार या टीबी या इस तरह की कुछ रोग परेशानियां देता है। आठवें घर में हो तो खुद की सेहत पर प्रॉब्लम दे देगा, व्यक्ति के जीवन में हमेशा यही लगेगा यार मैं मर जाऊंगा, मुझे बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे हो गया, छुटपुट कुछ ना कुछ लगी रहेंगी, पर एक बात का ध्यान रखिए, ये व्यक्ति मरेगा नहीं, इस व्यक्ति की उम्र अच्छी होती है, ये व्यक्ति हमेशा उल्टे सीधे जो मौसमों के बदलाव के कारण कुछ ना कुछ पेट की खराबी, कुछ ना कुछ ये इस तरह के रोग से घिरा रहता है। नौवें घर में हो तो ये बहुत अच्छा है, अगर साथ ही साथ बृहस्पति पांचवें घर में या पहले घर में हो तो किस्मत जगाने वाला हो जाता है। दसवें घर में हो तो ये कहीं ना कहीं पिता से कहीं ना कहीं वैर विरोध कराता है, और एक चीज़ और, पिता का जितना मर्जी धन छूट जाए, ये पिता के धन के मिलने वाले सुख को संतान के लिए कहीं ना कहीं उसे वंचित करा देता है, यानी कि बच्चे को, संतान को
उसके पिता के धन संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसी होती है प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और ग्यारहवें भाव में अगर सूर्य हो तो ये आय के स्रोत बहुत सारे बनाता है, यानी कि आपने देखा होगा लोग कई तरह के काम करते हैं, जगह जगह कुछ ना कुछ इस तरह के अपने कारोबार फैलाए होते हैं, कहीं से कमीशन बेस आ रहा, कहीं पर कुछ कर रखा, कहीं पर कुछ कर रखा, इस तरह से पैसों के रास्ते खोलता है। पर कहीं ना कहीं यह व्यक्ति खुद अपने उस पैसों के रास्ते पर ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है अगर यह व्यक्ति कहीं भी शराबखोरी, नशाखोरी और पर स्त्री के चक्कर में पड़ जाए तो। ऐसे चक्करों में पड़ते ही सूर्य पर शनि की कालख पुतना शुरू हो जाती है, तो तभी कहा जाता है नॉनवेज, शराब और उल्टे सीधे कर्म जो होते हैं उनसे दूर रहे, अपने आप को सात्विक रखे तो जीवन भर पनपता रहेगा। तो कर्म की बात आई तो उपाय सबसे पहले ही जो मैंने आपको कहा था, विष्णु जी की पूजा। विष्णु जी का नाम ध्याओ, जितना ध्याओगे उतना सूर्य अच्छा होगा, किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर घर में कोई पूजा पाठ आप आयोजन करना चाहते हो या किसी तरह से आप भागवत वगैरह कराना चाहते हो तो हरिवंश पुराण का पाठ कराओ, देखो जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, जन्म जन्म की जो एक कालख पुती थी सूर्य पे वो दूर हो जाएगी। विष्णु जी का पूजन आपके लिए सबसे बेहतरीन एक उपाय बनता है। अगर आप कथा सुनना चाहते हो तब भी आपके दोष दूर होंगे, कथा को किसी भी रूप में आप सुनिए, उसका स्मरण करिए, देखिए किस तरह से सूर्य बलि होंगे। और इसके साथ साथ सूर्य को देखिए, लाल किताब में ही ये फैसिलिटी है, पर यहाँ लाल किताब में रत्नों की बात नहीं की गई है, पर कुछ बातें, कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजर अपना दिमाग लगाकर अगर ढूंढे तो लाल किताब में वो सब कुछ है, वो सब कुछ है जो आप किसी को मदद पहुँचाने के लिए कुछ चाहते हो तो। जो नहीं चाहता है वो तो सिर्फ लाइन्स पढ़ेगा किताब की, और लाइन पढ़कर ही कहीं ना कहीं उसी में उलझा रहेगा, जिसे कहते हैं लकीर का फकीर। कई लोग कहते हैं लाल किताब में तो यह है नहीं, मैं कहता हूं आप मुझे ये बता दो किस किताब में रतन की बात है, सिर्फ यही बता दीजिए आप मुझे, किस ज्योतिष की किताब में जो ग्रंथ हैं हमारे बृहत पराशर होरा शास्त्र या कोई ऐसे बाद में जो आए उन्होंने सपोर्टिव तौर पर ज़रूर कहा गया, पर रत्नों की बात कहीं पर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ किसी चीज़ों से हटकर आपको सजेस्ट की जाती हैं। यहाँ पर लाइव या वीडियो में मैं इस तरह के बहुत से उपाय हैं जो नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बताऊँगा यहाँ पर और लोग उसको कॉपी करेंगे और उस बात का अर्थ का अनर्थ करके उस उपाय की दशा ही बिगाड़ देंगे, जिससे कि उपाय काम नहीं करेगा। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को ही देता हूँ, जानते हैं लोग उन्हीं को ही दिए जाते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं वो वीडियोस में सुनते हैं और मुझे जब कहते हैं कि आप इस तरह से बताया था, इस तरह से वीडियो में बताया था, मैंने तब उनको यही सलाह देता हूँ, एक दवाई की दुकान में हज़ारों दवाइयाँ हैं पर आपके लिए कौन सी है वो सिर्फ डॉक्टर जानता है। तो इसी तरह से थोड़ा सा समझ रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ किताबों पर लिखी हुई या कहीं से सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दे के मत चलिए, हमेशा डॉक्टर को ही प्रेफर करिए अगर तकलीफ होती है। अगर आप अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो अपने जीवन में बीमारी को दूर करने के लिए तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही कांटेक्ट करिए, अच्छे वकील से ही कांटेक्ट करिए अगर कोई मुकदमा है, अच्छे स्कूल में ही एजुकेशन दीजिए अगर बच्चे का भविष्य बनाना है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें आपको अच्छी ही सिलेक्ट करनी होती हैं। इसके साथ साथ अच्छा भोजन, सादा विचार और प्रभु जी का स्मरण, सिर्फ और सिर्फ यही अपने जीवन में एक नियम बना के रखें तो आपके जीवन से अनेकों परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब रही बात वात पित्त और कफ की, जीवन में अगर आपको लगता है वात पित्त और कफ आपका बढ़ गया है क्योंकि सूर्य आपको कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम दे रहा है, ब्लड की प्रॉब्लम दे रहा है या अनेकों प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसके लिए सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच से पहले शुरू करें, आधा चम्मच आप लेंगे त्रिफला चूर्ण और पानी पी लेंगे, अपना ब्रश करेंगे, नहाना धोना ये क्रिया करेंगे, एक घंटा आपका लगभग इसमें हो जाएगा, उसके बाद आप खाना खा सकते हो। एक आधे घंटे का गैप मिल गया तो समझो इस त्रिफला ने आपके शरीर में एक ऐसा ज़बरदस्त आपका प्रभाव शुरू कर देना है कि आप दंग रह जाओगे, अनेकों दवाइयाँ फेल हो जाएंगी। और इसको आपने लेना है या तो शहद के साथ ले लीजिए या तो आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, अगर मान लीजिए डायबिटीज़ है तो मत लीजिए, सिर्फ पानी के साथ ही आप इसको ले सकते हैं। शुरू करिए, देखिए आपके जीवन में किस तरह से ये त्रिफला त्रिदोष नाशक यानी कि वात पित्त कफ, ये तीन दोष हैं, इन दोषों को दूर कर देगा। फिर इस उपाय को आप चलने दीजिए, ये भी उपाय है, इसको भी चलने दीजिए, लगभग 4-5 महीने बाद ही ये दिखाई देगा इसका असर।
अभी ये सर 4-5 महीने बाद दिखाई देगा, हम इतना नहीं इंतज़ार करते। तो एक बात समझिए, दो चीज़ें बहुत इनमें डिफरेंस है। पहला तो है दवा और दूसरा है जहर। जहर खाएगा इंसान तो तुरंत ही असर दिखाई देगा, और दवा खाएगा तो धीरे धीरे असर दिखाई देगा। तो आप सोचिए क्या खाना चाहते हो। तो बात को मेरी समझ ही गए होंगे आप। बाकी और जानकारियों के साथ, बाकी बहुत सी जानकारियाँ, समुद्र भरा पड़ा है मेरे पास। मैं तो रोज़ एक मटका ले आता हूँ, आपको बता देता हूँ जानकारी। ऐसी अनेकों जानकारियाँ, ज्योतिष तो अथक सागर है, इसका तो कहीं पर भी अंत ही नहीं है। ऐसे ही जानकारियाँ और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। बस अपने जीवन में अच्छी अच्छी जानकारियाँ बिठा लो, जीवन ऐसे ही बदल जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ। पर जाने से पहले देखो, एक बात आपको फिर बता दूँ, रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ, आप लोग कहते हो पूजा पाठ करता हूँ मैं, ध्यान नहीं लगता, पूजा पाठ करता हूँ मेरा ध्यान भटकता है, मेरे जीवन में शरीर में परेशानियाँ रहती हैं। तो अपने बैठने के आसन को सुधार लीजिए। आप जो पूजा पाठ करते हो ना, किसी जो आप नीचे बिछाते हो, कहीं बोरी बिछा ली, कहीं प्लास्टिक की मैट बिछा ली, कुछ भी बिठा ली, इसको भूल जाइए। इस तरह से कुशा का आसन बिछा कर पूजा करना शुरू करिए। देखिए जीवन बदल जाएगा आपका, पूजा पाठ का फल मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि कुशा के आसन जिन्होंने एक मंगाए हैं वो 4-4 मंगा रहे हैं। क्या कहते हैं कि इस पर बैठकर तो ऐसा लगता है कि उठने का मन ही ना करे। अपने घर के काम तक करने के लिए उन्होंने कुशा के आसन मंगा लिए हैं, क्योंकि इसमें वो एनर्जी है, वो एक थेरेप्यूटिक पावर है जो आपके शरीर के कई रोग विकार दूर कर देती है। आप भी शुरू करो ये काम। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।